हेलो फ्रेंड्स, मैं सनी गुप्ता आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। जो कि मेरा इस साल का 2022 का मेरा पहला वीडियो है, जो कि मार्केट में बहुत सारा मैंने सर्च किया यूट्यूब पे कि सर LED 14 विंडोज 7 और विंडोज 10 पे क्यों अलग परफॉर्मेंस पर रन करता है और हम ये सॉफ्टवेयर को विंडोज 10 भी क्यों नहीं चला सकते हैं और विंडोज 7 नहीं चला सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं सर विंडोज 10 चलता है लेकिन विंडोज 7 सॉफ्टवेयर नहीं चलता है। ये सारा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है जो कि विंडोज 10 भी सपोर्ट करता है और हम इस आज इस वीडियो में दिखाऊंगा लाइव करके कि आपको विंडोज 7 में हम LED 14 को चला कर दिखाएंगे और विंडोज 10 में भी दिखाएंगे कैसे LED 14 चलाएंगे आप, ठीक है। और मेरे जो 5 क्वेश्चन है मार्केट से, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को एडिट किया हुआ है, यूट्यूब में सर्च भी किया हुआ है कि सर लैपटॉप कौन सा ले। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं सर, मैं बोलना चाहूँगा मार्केट में आपको जो लैपटॉप्स लेने हैं, आप लिनोवो, HP एंड डेल, ये 3 टाइप के लैपटॉप को लेने हैं ताकि ये आपके हिसाब से ये जो लैपटॉप से ये आपके तक के बढ़ के। और वो उससे पूछते हैं सर आप लैपटॉप कौन सा यूज़ करते हो। मैं चाहूँगा मैं जो लैपटॉप यूज़ करता हूँ लेनोवो और डेल यूज़ करता हूँ, जो कि ये मैं i9 और i7 यूज़ करता हूँ मार्केट में, ठीक है। और जो कि लोग पूछते हैं सर वर्जन कौन सा ले, जो कि कोर्स को बोलते हैं, तो बोलता हूँ वो आप i3 लो, i3 बहुत बेस्ट है और आप तक के लिए मैं बोलता हूँ i3 बहुत अच्छा चीज़ है जो कि आपके वर्क तक ये नॉर्मली हो ही जाता है, जो कि आप LED 14 एयरलव एंडस नियॉन प्ले LED इजी आराम से क्रिडिफाइड चल सकती है, ठीक है। अब बोलते जाएंगे कि सर इसमें जो सॉफ्टवेयर LED 14 के लिए हम विंडोज़ कौन सा अपडेट कराएं, 10 या 7। मैं बोलना चाहूँगी कि विंडोज 7 में भी LED 14 चलती है और 10 में भी चलता है, ठीक है। और जिन्हें सेटअप लेना है चलाने के लिए तो मुझसे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मुझे आप व्हाट्सअप पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से मुझे एक्टर के आप मैं आपको वो सेटअप दूंगा, आप उसको ऑन करके विंडोज 7 विंडोज 10 दोनों पे रन करेगा और हमको लाइव भी दिखाएंगे कि कैसे विंडोज 7 पे रन कर रहा है कि नहीं LED 14 या 10 पे रन कर रहा है कि नहीं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। जो कि इस वीडियो मैंने बहुत सारा सर्च किया, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन थे, इस क्वेश्चन को मैंने आइडेंटिफाई किया कि आपके LED विंडोज 7 है, जब देख रहे हो ना, जो कि विंडोज़ देख रहे हो विंडोज 7 का सारे सेटअप से कैसा इसमें LED 14 रन के बहुत लोग परेशान है, बहुत उसके डिजिट चेंज द डेट वगैरह, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस सर मैंने ये वीडियो बनाऊँ, क्योंकि तो लोग मार्केट में बहुत सारे लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं सर मैं कौन सा लैपटॉप लो महंगा सस्ता, तो ऐसे कोई बात नहीं, आपके जो लैपटॉप है उसमें मैं चला सकती हो, अगर आपको नए लेने उस पर मैं बता आपको क्लिफाई समझा दिया है। तो हम इसे चलते हैं LED स्क्रीन पर और हम दिखाएंगे कि LED 14 में दोनों वर्जन को विंडोज़ पे। तो फ्रेंड्स हम LED स्क्रीन पर आ चुके हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि विंडोज 7 में LED 14 कैसे रन करेगा, तो मैं विंडोज 7 को ओपन करता हूँ, रन इज ओके, तो जो कि मेरा रन कर रहा है तो हम उसको कट कर मैं दोबारा ऑन करता हूँ उसको। पूरे पैकेज को लेने के लिए व्हाट्सअप के नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करके ये सारा सॉफ्टवेयर मंगा सकते हैं आप, एंड से आपको ये यूट्यूब से डिस्क्रिप्शन के व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा मेरा। जैसा कि मैंने देखा फाइल लिया जो कि T1S लिया, जो कि मार्केट में बहुत सारे T1000 का प्रोग्राम करते हैं, और मैं कनेक्शन वाली जो मेरा डायग्राम होगा मैं इसको डायरेक्टली कोई भी चेंज नहीं करूँगा, मैं ओके करता हूँ। हम ये छोटा सा फाइल ओपन करेंगे WS फाइल और उसको हम एक्सपोर्ट कर दिखाएंगे भी आपको क्या वो आप देख रहे हो जो मैं डिज़ाइन चल रही है LED 14 में, और जो कि बहुत से बोलते सर LED 47 में आपकी क्लिफाई हो गई होगी कि सर विंडोज 7 में LED 14 रन करता है और ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, ठीक है। अब हम इसको एक रिकॉर्डिंग करते हैं और उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, आपको वो भी दिखाएंगे हम कि क्या एक्सपोर्ट करने में ये वो चीज़ दिखता ही नहीं दिखता है। मैंने पुशअप किया और मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, न्यू फोल्डर 2, ओके, तो मेरी ये फाइल जनरेट हो चुकी और हम उसको ओपन करते हैं। तो आप देखोगे क्योंकि मेरी प्रोग्राम फाइल जो थी वो एक्टिवेशन बाहर आ चुकी, ठीक है। तो आपको क्लियरफाई हो गया होगा कि विंडोज 7 में आपके जो LED 14 वो रन करती है। हम दिखाएंगे आपको विंडोज 10 में कि क्या यह सॉफ्टवेयर जो विंडोज 10 में रन करता है या रन करता है। तो फ्रेंड्स हम विंडोज 10 पे आ चुके हैं, मैं आपको विंडोज 10 ओपन कर दिखाता भी हूँ, जो कि देख रहे हो विंडोज 10 मेरा शो कर रहा होगा, ठीक है। और हम विंडोज 10 में ओपन करते हैं LED 14 को, आपको इस टाइप का पैकेज मिलेगा, तो मैं LED 14
मेरे ओपन है, इसको भी मैं ऑफ़ कर लेता हूँ। मैं दोबारा इसको ओपन करता हूँ, कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। आप सॉफ्टवेयर आराम से परचेस करिए और उसको चलाइए। इसमें मैं भी आपको मैं फ़ाइल लेता हूँ, ली न्यू लिया फाइल, और उसमें मैं T1000 ही लूँगा। फिर मैं इस पर गया, मैं उसी कनेक्शन वायरिंग को बोलूँगा, ओके किया। इसमें मैं एक अच्छा सा फाइल लेता हूँ, अगर वो डिज़ाइन चल रही होगी, इसको मैं भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। स्टॉप किया और मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ न्यू फोल्डर्स। ओके ठीक है, जल्दी से लिया क्योंकि वो छोटी सी फाइल थी। तो वो न्यू फोल्डर नाम से ये मेरा LD आ गया और प्रोग्राम वन के नाम से ही आ गया। तो आपको दोस्तों क्लियर फाइल होगी। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए एंड लाइक करिए, और इस टाइप से वीडियो कुछ भी कंफ्यूजन होता है आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। बहुत से लोग मुझे इशू था कि सर रेडी 14 से लेकर बहुत रिलेटेड था, जो कि मैंने बहुत सारे सच भी बताया कि मैंने सच भी किया कि लोग कुछ कंफ्यूजन थे, तो इसलिए मैंने इस वीडियो बनाया कि न्यू हैप्पी न्यू ईयर के नया वीडियो देना, जो कि रेडी 14, 7 और 10 पे क्लियर फाइल रन करता है कि नहीं करता। तो मैं दिखा दिया, जो कि मैं दो लैपटॉप यूज़ करता हूँ, डेल और लेनोवो, दोनों पे मैंने दिखा दिया कि विंडोज 7 और विंडोज 10 पे दोनों क्लियर फाइल रन करती है। तो थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़।